जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, बीएड को लेकर आप लोगों के काफी सारे क्वेश्चन मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछे जा रहे हैं कि सर, हमें बीएड में एडमिशन लेना है, हम एंट्रेंस एग्जाम नहीं दे पाए हैं, तो क्या हमें बीएड में डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, कहां पर हमारा एडमिशन हो सकता है, कितनी इसके लिए फीस लगती है, कोई एक्स्ट्रा फीस तो नहीं लगती है, हम यदि डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं तो क्या हमारी डिग्री वैलिड होगी या नहीं होगी। तो साथियों, आप लोगों के इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब का आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की वीडियो लाता रहता हूं। तो साथियों, बात करते हैं, यदि आपने एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है और बीएड में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो क्या आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो साथियों, हम पहले इसी टॉपिक को क्लियर करते हैं। तो साथियों, आपको बता दें, यदि आप एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन लेते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब बात करते हैं, यदि आपने एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है और डायरेक्ट एडमिशन लेने के लिए आप जाते हैं तो आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो साथियों, यहाँ पर दो पॉइंट हैं। एक तो जो आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती हैं, यानी कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती हैं अपने आप में, वो बीएड कराती हैं। तो साथियों, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से यदि आप बीएड करते हैं तो उस यूनिवर्सिटी को अच्छे से देख लीजिएगा कि उस यूनिवर्सिटी के पास एनसीटीई का अप्रूवल है या नहीं है, और जिस सत्र में आपका एडमिशन हो रहा है उस सत्र का आपका एनसीटीई का लेटर आपके उस यूनिवर्सिटी के पास होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा, उस यूनिवर्सिटी की पोजीशन, उस यूनिवर्सिटी की रेपो कैसी है, वो ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है, वो जो इस टाइप से कराती है कि बीएड बच्चे नॉन अटेंडिंग, या बच्चे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, या कुछ और भी जो यूनिवर्सिटीज कर रही हैं आजकल, तो उस कैटेगरी में तो वो नहीं है। यदि उस कैटेगरी में है तो उसमें आप बिल्कुल भी बीएड मत कीजिएगा, क्योंकि आप गवर्नमेंट में जाते हैं तो कहीं ना कहीं फिर प्रॉब्लम होती है। तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि यदि आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से भी बीएड करते हैं तो वो एक अच्छी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, बढ़िया सी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, और उसकी जो पोजीशन हो वो थोड़ी अच्छी हो, तो आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा। अब दूसरा ऑप्शन आता है कि सर, यदि हम प्राइवेट ना लेकर के जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है उनके कॉलेज में हम क्या डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं यदि हमने एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है? जी हाँ, बिल्कुल आप ले सकते हैं। तो जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होती है उनके कुछ माइनॉरिटी के कॉलेज होते हैं। अब माइनॉरिटी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ उसमें माइनॉरिटी के बच्चों के ही एडमिशन हो सकते हैं, उसका मतलब ये होता है कि उसमें जो आपकी यूनिवर्सिटी है उनके कुछ कॉलेज माइनॉरिटी के होते हैं, उनको फैसिलिटी दी जाती है कि वो डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, और यदि वो डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उनको सीट दी जाती है, कोई 60 एडमिशन ले सकते हैं, 100 एडमिशन ले सकते हैं, तो डायरेक्ट एडमिशन वो ले सकते हैं। उसके लिए भी यूनिवर्सिटी अपने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराती है। तो यदि आप इस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट एडमिशन लेकर के आप अपनी डिग्री पूरा करते हैं तो वहां से किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आता है कि सर, इसके लिए फीस कितनी लगती है? तो साथियों, यदि आप स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से आप करते हैं तो उसके लिए जो फीस है आपकी वही सेम होगी जो आपका एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू बच्चा जाता है, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता है, बिल्कुल क्लियर है, किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं होगा, सिर्फ जो आपसे चार्ज लिया जाएगा, हो सकता है जो यूनिवर्सिटी पर रजिस्ट्रेशन होगा, पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होगा, उसकी फीस एक्स्ट्रा हो सकती है। इससे आगे बात करें कि सर, इसको करने के बाद में क्या हमारी डिग्री वैलिड होगी या नहीं होगी। तो साथियों, जैसा मैंने आपको अभी बताया है कि यदि आप स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से अपना बीएड कंप्लीट करते हैं डायरेक्टली, या आपका जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है वो भी आपको बीएड कराती है, तो भी आपकी डिग्री पूरी तरीके से वैलिड होगी। सिर्फ आपको देखना यह है, यदि आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से आप बीएड करते हैं तो उस यूनिवर्सिटी की पोजीशन जरूर देख लीजिएगा कि वो यूनिवर्सिटी कहीं ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है, वो कहीं पे फ्री में ही तो डिग्री नहीं बांट रही है, तो इस तरीके से आप जरूर देख लीजिएगा। इससे आगे बात करेंगे, सर एडमिशन हम किस तरीके से लें, हमें माइनॉरिटी कॉलेज का कैसे पता चलेगा? तो साथियों, जैसा मैंने आपको बताया कि स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जो होती है उनकी साइट पर डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन होते हैं, डेट आती है, उसके बाद में जो माइनॉरिटी कॉलेज होते हैं उनकी सीट अलॉट होती है। तो साथियों, उसके लिए आपको जब पोर्टल ओपन होता है तब आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो वहां पर आपको देखना होगा जिस भी एरिया में आप आते हैं कि आपके एरिया में स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी कौन सी लगती है, उसके फॉर्म कब तक आते हैं, तो आपको यूनिवर्सिटी के संपर्क में रहना होगा। और अधिक जानकारी के लिए यदि आपको पता करना है कि सर कौन सा कॉलेज बेस्ट रहेगा, हमें किस तरीके से एडमिशन लें, और हमें जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है उसके फॉर्म कब निकलते हैं, और अधिक यदि आपको काउंसलिंग करनी है डिटेल में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया हुआ है सक्षम स्कॉलरशिप का, वहां पर जाकर
जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो जो हमारे काउंसलर हैं वो आपको पूरी तरीके से सेटिस्फाई करेंगे, पूरी डिटेल में आपको एक्सप्लेन करेंगे, उसका आपसे किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इससे आगे बात करते हैं कि सर यदि हम डायरेक्ट से एडमिशन लेते हैं तो क्या हमारे एग्जाम अलग होते हैं या उन्हीं के साथ होंगे? तो साथियों, जो आप डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं तो आपके एडमिशन अलग नहीं होंगे, जब स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जो आपके काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन हुए हैं उन्हीं के साथ में आपके एग्जाम फॉर्म भरे जाते हैं, उन्हीं के साथ में आपके एग्जाम होते हैं, किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। इससे अगला क्वेश्चन कि सर हमारी मार्कशीट पर कुछ लिख के आएगा कि हमने डायरेक्ट एडमिशन लिया है या फिर हमने काउंसलिंग के थ्रू लिया है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आप यदि माइनॉरिटी के थ्रू लें या फिर आप काउंसलिंग के थ्रू लें तो मार्कशीट पर ऐसा कुछ लिखकर नहीं आता है। अब इससे आगे बात करें कि इसका डिसएडवांटेज क्या है डायरेक्ट एडमिशन लेने का। तो साथियों, डायरेक्ट एडमिशन लेने का जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, यानी कि आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, एक आपका बस इसका यही डिसएडवांटेज है। तो साथियों, ऑलमोस्ट मैंने सब सारी चीजें आपको क्लियर कर दी हैं। यदि अभी भी आपको कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो साथियों, आपको जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।